नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री को कवर करेंगे। इसका नाम है किरीबस। जी हाँ, यहाँ पे आपको ये प्रोनाउंस करने में लग रहा होगा कि यहाँ पे टी आई लिखा हुआ है, तो हम इसको किरीबाती बोलेंगे, मगर जो ये जो टी आई है यहाँ पर, इनकी भाषा में, इस देश की भाषा में इसको एस प्रोनाउंस करते हैं, तो ये बन गया किरीबस। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, याद रखिएगा। किरीबस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है और क्लाइमेट चेंज से इसका डायरेक्ट रिलेशन है, तभी इसको डूबता हुआ देश भी कहा जाता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ ओशन लेवल ये देश डूब रहा है, और हो सकता है कि आने वाले 20 या 30 साल में इस देश का वजूद कम्प्लीटली मिट जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है इस देश के बारे में जानने के लिए, एंड लेट स्टार्ट। स्टडी आई क्यू के पेनड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक SSC एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, उसके अलावा UPSC एस्पिरेंट्स के लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और वेरियस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल, उनके पेनड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और उसके अलावा हिस्ट्री ऑप्शनल का भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, एंड उसके अलावा क्लैट, DSSB, वेरियस कोर्सेज आपको मिल जाएंगे studyiq.com पे। यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं या आप इन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। तो शुरुआत तो हम ऑब्वियसली मैप से ही करेंगे। पहले देखते हैं कि किरीबस है कहाँ पर। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और हमारे प्यारे भारत से हमको कहाँ जाना होगा, हमको ईस्टर्न साइड को जाना होगा, और ईस्टर्न साइड को अगर हम जाएं तो हम पहुँच जाते हैं प्रशांत महासागर के पास। ये है पैसिफिक ओशन, ये सारा पार्ट। ऑलराइट, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, नीचे सदर्न पार्ट है उसका। अब यूजुअली क्या होता है कि मैप में किरीबस जैसी कंट्रीज़ को ढूंढना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप होता है। अब इतने बड़े ओशन में आप इन छोटे आइलैंड्स को कैसे ढूंढोगे, इनकी लोकेशन को प्रॉपरली कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो, किरीबस को लोकेट करना बहुत ही ज़रा आसान है। हमको दो चीज़ें देखनी है, एक तो है इक्वेटर और दूसरा है इंटरनेशनल डे लाइन। अब इक्वेटर तो आपको पता ही होगा, नीचे जो ये वाली लाइन जा रही है, ये आप देख रहे हो, साउथ अमेरिका से गुजर रही है और यहाँ पे इंडोनेशिया से गुजर रही है और अफ्रीका से भी गुजर रही है, कॉन्गो से गुजर रही है। ये क्या है? ये है इक्वेटर, इमेजिनरी लाइन है। उसके बाद जो ऊपर यहाँ से जो लाइन जा रही है, ये जो आप देख पा रहे हो नीचे पूरी जो ये लाइन गुजर रही है, ये है इंटरनेशनल डे लाइन। ये लाइन तय करती है कि नया दिन कब शुरू होगा, इसी लाइन से नया दिन शुरू होता है। अब देखो, यहाँ पर इसी जो ये एक क्रॉस पॉइंट है जहाँ पे इक्वेटर और इंटरनेशनल डे लाइन मिलती है, यहीं पे है किरीबस। यहाँ पे आप देखोगे ये रहा किरीबस। ऑलराइट, अब जैसे जैसे मैं जूम कर रहा हूँ, आप में से कुछ लोग थोड़े हैरान हो जाएंगे कि सर ये मैं क्या देख रहा हूँ, लंदन, पेरिस, पोलैंड, ये हम पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर हम यूरोप पहुँच चुके हैं। देखिए, कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइए, हम पैसिफिक ओशन में ही हैं और आपके सामने किरीबस का एक बहुत ही बड़ा आइलैंड किरीबाती है। मगर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही इसका एक रिच कल्चर है और काफ़ी खुले दिल के लोग हैं, तो काफ़ी बार जो यहाँ पे विजिटर्स आए थे तो उनके कंट्रीज़ के हिसाब से इन्होंने काफ़ी सारी सिटीज़ का नाम यहाँ पर रख दिया। अब किरीबस बेसिकली है क्या, ये आपको बताता हूँ, फिर आपको इस कहानी के बारे में बताऊँगा कि यहाँ पे लंदन, पेरिस और पोलैंड क्या कर रहे हैं। अब देखो, किरीबस के बारे में यहाँ पे कुछ आपको फैक्ट्स बताऊंगा, उससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किरीबस, जैसे मैंने आपको बताया था, पैसिफिक ओशन के बीचों बीच लोकेटेड है, और ये बेसिकली एक ग्रुप है 33 एटॉल्स और रीफ आइलैंड्स का। अब एटॉल क्या होता है मैं वीडियो में आगे जाके आपको बताऊँगा, बेसिकली एक टाइप होता है एक आइलैंड का। अब ये जो 33 एटॉल और रीफ आइलैंड है, इसमें से 21 इनहैबिटेड हैं, मतलब कि यहाँ पर लोग रहते हैं, बाकियों में लोग नहीं रहते क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हैं वो। टोटल जो आबादी है इस छोटे से कंट्री की सिर्फ 1,03,500 है, जो इसको दुनिया का 197th मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनाती है। उसके अलावा जो 90% इस देश की पॉपुलेशन है वो गिलबर्ट आइलैंड्स में रहती है। अब देखो ये मैप देखो, यहाँ पर ये जो आपको पर्पल एरिया दिख रहा है ना, ये सारा किरीबस है। जो मैंने आपको किरीबाती बताया था वो इस एरिया के करीब है। ऑलराइट, और यहाँ पर ये जो आइलैंड्स हैं ये गिलबर्ट आइलैंड्स हैं, 90% जो इनकी आबादी यहीं पे रहती है, और जो 50% है उसमें से भी वो तरावा में रहती है यहाँ पर। ऑलराइट, अब इसके बारे में थोड़ा कुछ और जानते हैं।
अब देखो, जो मैंने आपको किरीमाती आइलैंड बताया था उसको क्रिसमस आइलैंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लैंग्वेज का पंगा है कि इनकी भाषा में इसको किरीमाती लिखते हैं और वो किरीमाती कुछ लोग बोलते भी हैं, मगर इसको क्रिसमस आइलैंड भी कहा जाता है। मगर यहाँ पे कन्फ्यूजन ये भी होता है, क्योंकि आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिसमस आइलैंड है तो यहाँ पर भी है, तो दोनों कंट्रीज़ में है, ये याद रखना, ठीक है। अब ये जो किरीमाती है, मैं इसको किरीमाती बुलाऊंगा, ऑलराइट। आपको शायद कहीं पर ये भी मिल जाए कि इसको क्रिसमस आइलैंड बुलाते हैं, तो अभी के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इसको किरीमाती ही बुला रहा हूँ। किरीमाती दुनिया का लार्जेस्ट कोरल एटोल है। अभी कोरल एटोल क्या होता है, इन डेप्थ इसको स्टडी करेंगे। और ये करीब करीब 50%, एक्चुअली 50% तो नहीं, मोर लाइक 45% किरीबस का टोटल जो लैंड मास है इससे ही बनता है। बहुत ही बड़ा आइलैंड है अपने आप पे ये। अब यहाँ पर ये देखो, तरावा एटोल और जो बाकी गिलबर्ट आइलैंड्स हैं इनको जापान ने इन्वेड किया था 1941 में। अब तरावा एटोल को क्यों इन्वेड किया था, क्योंकि तरावा किरीबस का कैपिटल है, याद रखना, ठीक है। तरावा इज़ द कैपिटल ऑफ किरीबस, और किरीबस की करेंसी क्या है, किरीबस डॉलर, याद रखना बहुत आसान है। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है इनके पास में, तो काफ़ी एड भी देता है उनको, तो काफ़ी बार उनकी करेंसी भी फ्रीक्वेंटली यहाँ पर यूज़ होती है। अब देखो, वैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये कंट्री ऐसा नहीं है कि जापानीज इन्वेजन से पहले आज़ाद था ना, ये करीब 1800 के आसपास यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ गए थे और इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे आइलैंड्स को कब्जा लिया था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जब जापान पैसिफिक ओशन में तेजी से एक इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था, उसी दौरान आपको पता है कुछ ही टाइम बाद इन्होंने पर्ल हार्बर पर भी अटैक कर दिया, तो उसी कैंपेन के दौरान इन्होंने यहाँ पर किरीबस को भी कैप्चर कर लिया था। और बाद में ये दो साल बाद ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये 1943 में ही अमेरिका ने इसको आज़ाद करा दिया। और आज़ाद क्या कराया, बेसिकली वापस ये ब्रिटिश रूल के अंडर चला गया, मगर इवेंचुअली इस देश को आज़ादी भी मिली 1979 में, जुलाई 12th 1979, बहुत ही लेट इसको आज़ादी मिली और यूनाइटेड किंगडम से, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम चाहता नहीं था कि काफ़ी सारे यहाँ पे आइलैंड थे, वहाँ पे काफ़ी मिनरल्स थे, वहाँ पे वो माइनिंग करना चाहते थे, तो उस ग्रीड की वजह से यूनाइटेड किंगडम ने इस एरिया को छोड़ा नहीं बहुत ही लंबे समय तक। अब आपको यहाँ पे एक बात और भी बतानी चाहिए कि किरीमस के दो आइलैंड्स डूब चुके हैं बिकॉज ऑफ राइजिंग ओशन लेवल, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। तो जो दो आइलैंड डूबे हैं, एक तो है तेविवा तरावा और दूसरा है अबा न्यूविया, फॉर गिव मी इफ़ आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग। तो ये दोनों आइलैंड्स 1999 में आखिरी बार देखे गए थे, उसके बाद कम्प्लीटली पानी के नीचे क्या हो गए हैं, सबमर्ज हो गए हैं, ये बिल्कुल डूब गए हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि किरीमस के साथ, बाकी जो किरीमस है उसके साथ भी ऐसा होगा, वो क्यों होगा वो भी हम स्टडी करेंगे अभी। देखो, एटोल्स को सरफेस में आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। एटोल्स अपने आप में एक कुदरत का करिश्मा ही होता है एक तरीके से देखा जाए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि इतने साल लग जाते हैं एटोल को सरफेस में आने के लिए और एक प्रॉपर आइलैंड बनने के लिए जिस पर लोग रह सकते हैं। अब देखो, ये बनता कैसे है, पानी के नीचे पहले तो एक वॉल्केनो होता है। अब वॉल्केनो जब इरप्ट करता है तो लावा इमीडिएटली जब रिलीज़ होता है, तो सीधी सी बात है वो पानी में रिलीज़ हो रहा है, और जैसे ही पानी में रिलीज़ होता है वो उसको इमीडिएटली कूल कर दिया जाता है। वो गर्म लाल लावा उसी वक्त विद इन अ फ्यू सेकेंड्स बिल्कुल ब्लैक हो जाता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अब ये यहाँ पर काला लावा इकट्ठा हो गया, और एक तरीके से यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीज़ जो उठ रही है, ये जो ब्राउन सी यहाँ पर जो चीज़ है, ये वॉल्केनो किस तरीके से ऊपर उठता है उसका यहाँ पे बताया जा रहा है। अब वॉल्केनो पर लावा एक बार आया, फिर उसके बाद वॉल्केनो फिर अरप्ट हुआ, फिर से एक लावा चढ़ गया उस पर, फिर से लावा चढ़ गया, धीरे धीरे यहाँ तक हो जाता है कि एक पहाड़ सा बन जाता है, ठीक है। वॉल्केनो तब तक कम्प्लीटली शांत हो चुका होता है, और यहाँ पर जो लावा ओवर द ईयर्स इरप्ट होता रहा, कई ऑलमोस्ट थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक होता रहा, तो जाके इतना सारा लावा का एक पहाड़ बन जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि उस लावा के पहाड़ के आसपास कोरल जमने स्टार्ट हो जाते हैं और लाइफ फॉर्म यहाँ पे आ जाती है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ओवर द ईयर्स वो लावा ही था, कुछ ऐसा नहीं है कि प्रॉपर कोई लैंड है, वो धीरे धीरे वापस पानी में सबमर्ज होना स्टार्ट हो जाता है और वो बेसिकली गायब हो जाता है। अब जब वो गायब हो जाता है तो वहाँ पर जो कोरल था वो फिर भी रहता है, और कोरल ओवर द ईयर्स इवॉल्व करके, इवॉल्व इन द सेंस वैसे नहीं कि जब एवोल्यूशन होता है, बेसिकली उसकी फॉर्म चेंज होती रहती है, पुराना कोरल मर जाता है, फिर नए वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो उन सब के ऊपर एक आइलैंड जैसी शेप का एक कुछ बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है
जिसकी मैं आपको अभी फोटो दिखाऊंगा, उसको हम एटोल कहते हैं। ऑल राइट, तो बहुत ही लंबा इसका प्रोसेस होता है। और किरीबस भी बेसिकली बहुत सारे एटोल्स का एक ग्रुप है, और दुनिया का सबसे बड़ा एटोल जो है वो भी किरीबस में ही है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब देखो ऐसा दिखता है एक एटोल आपके सामने, इसके बीच में यहाँ पे लावा का जो एक एक इकट्ठा हो गया था एक टाइम पे, और काफ़ी ऊंचा उठ गया होगा, फिर वापस पानी के अंदर चला गया, उसके निशाने भी बची हुई है। और आसपास जो आप देखोगे ये जो कोरल ओवर द ईयर्स इकट्ठा हो गया है और जो डेड हो गया और एक इकट्ठा होकर एक एटोल सा बन गया, उसकी निशानी है। और ये भी एक उदाहरण है एक एटोल का। अब देखो वैसे अब मैंने आपको किरीबस के बारे में बताया और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाई आपको, मैंने एटोल्स दिखाए, और काफ़ी सारे लोग यार चाहते हैं कि ऐसे किसी एक आइलैंड नेशन में वो रहें, और उनको वो लाइफ काफ़ी अच्छी लगती है कि एक छोटे से आइलैंड में उनका एक कॉटेज हो और वहाँ पे स्विमिंग करने जाएं और सी फूड खाएं और ओवरऑल लाइफ काफ़ी बढ़िया होगी। मगर मैं आपको ये बता दूँ कि किरीबस में लोगों की ज़िंदगी अच्छी नहीं है, वो काफ़ी डर में जी रहे हैं, और उसका कारण है इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। अब देखो हुआ क्या है ओवर द ईयर्स, आपको पता है कंट्रीज़ लाइक US, चाइना, और कुछ हद तक मैं छोटा सा रोल इसमें हमारा भी कहूँगा इंडिया का, हमने डेवलप करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया है, और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आज एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन के हमारे सामने खड़ा है। ऑफकोर्स मैं यहाँ पर बताऊँगा कि US और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने काफ़ी डैमेज किया है एनवायरनमेंट को कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना, जो हमने डैमेज किया वो काफ़ी कम है, मगर फिर भी हम भी उसके हिस्सेदार हैं, और आगे जाके ऑफकोर्स इंडिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ने ही वाला है। और उसी के लिए आपको पता है कि COP23 होता है और क्लाइमेट चेंज पर बात की जा रही है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी साइन किया गया था, उसमें अभी USA ने पुल आउट कर लिया है। तो अब देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर के देशों में इम्पैक्ट तो आएगा। इंडिया में कहा जा रहा है कि हमारी जो कोस्टल लाइन है वो श्रिंक कर सकती है, जो हमारी कोस्टल स्टेट्स है जैसे तमिलनाडु केरला वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अलावा जो रेन पैटर्न है वो बदल सकता है, और उसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर आउटपुट है उस पर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, और आगे जाके बहुत ही डरावनी हमको तस्वीर दिखती है हमारे भविष्य की। मगर कुछ देश ऐसे भी हैं जो बिल्कुल गायब हो सकते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उनमें से एक है किरीबस। अब क्या है कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से ओवरऑल जो एवरेज टेम्परेचर है धरती का वो राइज कर रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है जो हमारे ये नॉर्थ पोल में जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मेल्ट कर रहे हैं। अब जब ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, पानी का जो लेवल होता है ओशन लेवल वो राइज करता है, और जब ओशन लेवल राइज करेगा तो क्या होगा, जो ऐसे आइलैंड नेशंस हैं जैसे किरीबस, अब देखो आइलैंड नेशंस और भी हैं मगर क्या है कि उनकी जो लैंड है वो ज़रा पक्की है, और जो एलिवेशन मतलब कि ये पानी है और लोग काफ़ी ऊपर रहते हैं, मतलब काफ़ी मीटर ऊपर रहते हैं। किरीबस सिंस एटोल्स पर टिका हुआ है तो जो एलिवेशन है बहुत कम है, सिर्फ 2 मीटर्स के आसपास की एलिवेशन है, और साल दर साल ये देख रहे हैं कि पानी का लेवल राइज कर रहा है, और यूनाइटेड नेशंस ने तो डिक्लेयर ही कर दिया है कि बस 30 या 40 साल तक किरीबस हमारे सामने है, उसके बाद हमको इसको अलविदा कहना होगा, ये कम्प्लीटली पानी में सबमर्ज हो चुका होगा, और इसके साथ जो 1 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी ज़िंदगी भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी अनलेस हम कुछ इंटरवेंशन करके उनकी मदद भी करें। अब ऐसा नहीं है कि किरीबस की सरकार बस बैठी हुई है और वेट कर रही है कि कब हमारा जो कंट्री है वो कम्प्लीटली डूब जाएगा, वहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं लोगों को रीलोकेट करने के, जी हाँ रीलोकेट ही कर सकते हैं, क्योंकि किरीबस की जो सरकार है वो डोनाल्ड ट्रंप को जाके ये तो नहीं कह सकती ना कि आप लालच की वजह से आप ग्रीड की वजह से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पुल आउट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो देश डूब जाएगा, वो उतनी उनके पास पावर है नहीं, उनके पास यही पावर है कि अपने सिटीजन्स को धीरे धीरे अपने देश से रीलोकेट करके कहीं और बसा ले। और इसमें ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मदद यहाँ पे ले रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया है किरीबस की मदद करने में, क्योंकि किरीबस की सरकार क्या करती है अपने लोगों को पैसे देती है जो यंग नौजवान लोग हैं, और उनको कहती है कि आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाइए, वहाँ पे रोज़गार अपना खोलिए, कुछ जॉब करिए, और फिर इतना पैसा कमा लीजिए कि वापस आकर अपनी फैमिली को भी आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ले जाएं। और इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी उनकी हेल्प कर रहा है, इनके लिए स्कीम्स निकालते हैं ताकि ये काफ़ी ईजिली रीलोकेट हो जाएं। उसके अलावा किरीबस ने रिसेंटली फिजी में भी कुछ ज़मीन खरीदी है, बहुत ही छोटी ज़मीन है, और वहाँ पर भी कुछ फैमिलीज़ को वो रीलोकेट करेंगे, और धीरे धीरे यही कोशिश कर रहे हैं कि जो इनके एटोल हैं जो इनके आइलैंड्स हैं वो जो बहुत ज़्यादा सबमर्ज कर चुके हैं वहाँ से अपने लोगों को धीरे धीरे इवैक्यूएट ही कर पा रहे हैं, उसके अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं।
अब देखो क्लाइमेट चेंज के बारे में हो सकता है किसी भी एग्जाम में आपको ऐसे लिखना हो या आंसर लिखना हो, तो वहाँ पे आप किरीबस के बारे में तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ये एक शाइनिंग एग्जांपल है किस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लाखों लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। और COP23 जो रिसेंटली हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बॉन जर्मनी में, जिस पे अलग से हमने वीडियो भी बनाई है स्टडी IQ में, उसमें भी ये फीचर हुई थी किरीबस की कहानी, और काफ़ी लोगों ने किरीबस का एग्जाम्पल वहाँ पर उठाया था। और देखो दिक्कत यही है कि किरीबस के जो आइलैंड्स हैं वो 2 मीटर तक का ही उनका एलिवेशन है, उसकी वजह से डूबने के उनके चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अब देखो किरीबस में जो डोमिनेंट रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी, और जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वहाँ पे वो है इंग्लिश और गिलबर्टीज। अब जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे लंदन भी है, पेरिस भी है, पोलैंड भी है, उस सब के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये इन्होंने अपने वहाँ पे कुछ जगह के नाम इन फेमस सिटीज़ के हिसाब से क्यों लग दिए, और ये तो खैर पोलैंड तो कंट्री ही है। देखो यहाँ पे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि लंदन, पेरिस और पोलैंड है कहाँ पे, ये कीर्तिमाती में है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था दुनिया का जो लार्जेस्ट एटोल है, और ऑफ कोर्स लार्जेस्ट आइलैंड भी है किरीबस का, और इसको क्रिसमस आइलैंड भी कहा जाता है। अब देखो पोलैंड एक जगह का नाम उसने इन्होंने इसलिए रख दिया क्योंकि एक पोलिश एक्सप्लोरर यहाँ पे आए थे, पोलिश एक्सप्लोरर और इंजीनियर, इनका नाम था ये स्टैनिसलॉ, इनका ये जो सरनेम है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अब इन्होंने बेसिकली वहाँ पे जो विलेजर्स थे उनकी काफ़ी मदद की थी, और ओवरऑल काफ़ी हॉस्पिटल्स वगैरह खुलवाने में मदद की थी, और बेसिकली लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करने में भी इन्होंने काफ़ी मदद की थी। तो इन्होंने ये इतना सब कुछ वहाँ पे जब हेल्प किया तो लोगों ने इनके सम्मान में एक जो एरिया था वहाँ पे उसका नाम रख दिया पोलैंड, क्योंकि ये पोलैंड के ही थे। पेरिस क्यों कहते हैं, क्योंकि पेरिस से भी एक व्यक्ति आए थे, इनका नाम था फादर एमिनल रोगियर, ये बेसिकली एक फ्रेंच प्रीस्ट थे, इन्होंने ये आइलैंड जो है यहाँ पर कीर्तिमाती का इसको लीज पे लिया था 1917 से लेकर 1939 तक, और इन्होंने 8 लाख कोकोनट ट्रीज यहाँ पे प्लांट किए थे, जो इवेंचुअली किरीबस की जो इंडस्ट्री है यहाँ पे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बाद में इन्होंने काफ़ी सारे कोकोनट्स जो यहाँ पे उगे उनको एक्सपोर्ट भी किया, तो इन्हीं के सम्मान में एक जो जगह है उसका नाम पेरिस रख दिया। लंदन से या इंग्लैंड से यहाँ से कोई अरे बंदा आया नहीं था जिसने कोई बहुत ही अच्छा काम किया हो यहाँ पर किरीबस में, बट सिंस एक ब्रिटिश कॉलोनी था किरीबस एक बहुत ही लंबे टाइम तक, तो शायद इसीलिए एक जगह का नाम यहाँ पे लंदन भी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात के बारे में बताना चाहूँगा, न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में। किरीबस में एक देश ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था। अब आप सोच रहे हो कि किरीबस एक छोटा सा देश है, बेचारे लोग कितना मतलब एक आइसोलेटेड जगह में रह रहे हैं, डूब रहा है देश उनका, तो ऐसे कंट्री में कोई न्यूक्लियर टेस्ट उसके पास कौन करेगा, कौन सी सरकार हो सकती है जो ऐसा कर सकती है। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही ऐसा कर सकती है, और 1957 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे हाइड्रोजन बॉम्ब्स टेस्ट किए थे किरीबती, जो क्रिसमस आइलैंड है उसके करीब, और इसकी वजह से जो वहाँ पर फिश थी और जो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट को भी काफ़ी नुकसान हुआ था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी इसका कोई कंपनसेशन नहीं दी उनको, ना कभी अपोलोजाइज किया इसके लिए। और ये बस दिखाता है कि किस तरीके से ओवर द ईयर्स ना सिर्फ इंडिया या अफ्रीका और जो यहाँ पर पैसिफिक ओशन में भी जो आइलैंड नेशंस हैं वहाँ पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बस बिना किसी के सुने बस अपनी ही चलाई। खैर आपको ये बताना चाहिए कि यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट भी हुए थे, और उसके बाद खैर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ चले गई उसके बाद यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हुए। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें और किरीबस और इंडिया के रिलेशंस की बात करें, तो अगर प्रेसिडेंट देखें हम किरीबस के वो हैं तेनेती मामाऊ, ऑलराइट। और वैसे अगर हम इंडिया और किरीबस के रिलेशंस देखें तो दोनों कंट्री के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और इंडिया काफ़ी हद तक सहानुभूति भी रखता है किरीबस जैसे देशों के साथ जो हर साल डूब रहे हैं, और उनके काफ़ी सारे आइलैंड्स ऑलरेडी डूब चुके हैं। और इंडिया और किरीबस के रिलेशंस वैसे एस्टेब्लिश हुए थे 6 अगस्त 1985 में, और किरीबस भी इंडिया के जो कैंडिडेचर है UN में परमानेंट सीट के लिए, और भी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ भी इंडिया चाहता है किरीबस काफ़ी हद तक उसको सपोर्ट करता है। किरीबस ने आज तक कोई अपोज नहीं किया इंडिया का कैंडिडेचर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि उनके सपोर्ट से इंडिया को सीट मिलेगी, बट स्टिल वो अपनी तरफ से अपना काम कर रहे हैं। अब आपको पता होगा कि सेकेंड समिट भी हुआ था फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशंस का जयपुर में 2015 में, उस दौरान भी किरीबस के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर इंडिया आए थे। और उसके अलावा किरीबस पैसिफिक आइलैंड फोरम का भी मेंबर है जहाँ पे इंडिया एक ऑफिशियल डायलॉग पार्टनर है। उसके अलावा
इंडिया बहुत सारी एड भी देता है कीर्ति बस को, ज़्यादा बड़ी थी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की तो नहीं है मगर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की एड इंडिया देता है। उसके अलावा कभी इनको मेडिसिन चाहिए होती है तो इंडिया फ्री में मेडिसिन भी प्रोवाइड कर देता है, और सिंस यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि उनको और जगह सेटलमेंट मिले तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ के लोगों को कुछ एजुकेटेड किया जाए। तो इंडिया ने काफ़ी बार यहाँ पर कुछ सेंटर्स भी लगाए हैं, वहाँ पर कंप्यूटर्स वगैरह सिखाए जाते हैं, कंप्यूटर में किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से कंप्यूटर्स के थ्रू वो स्किल अपनी एक होन कर सकते हैं और देशों में जाके काम कर सकते हैं कीर्ति बस के लोग। और बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स में कीर्ति बस के लोगों के लिए स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो इंडिया और कीर्ति बस के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। और ये है हमारी वीडियो का अंत, उम्मीद करता हूँ कीर्ति बस के बारे में जानकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और अवेयरनेस फैलाइए, ऐसे कंट्रीज़ के बारे में लोगों को बताना चाहिए, अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करिए कि किस तरीके से देश डूब रहे हैं और बाकी दुनिया कुछ कर नहीं रही इनके लिए। एंड ऐसे और कंट्रीज़ के बारे में मैं वीडियो बनाता रहूँगा, अभी तो खैर बहुत लंबा सफ़र है, काफ़ी सारे और कंट्रीज़ की वीडियो बनानी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्टडिंग एंड यू विल सक्सीड।